इस मीटिंग में मुख्यतः जो अब तक अपराध घटित हुए हैं उनका अनुसंधान किया है, आपराधिक सभी गतिविधियों का एक आकलन किया जाएगा और जो इस तरह की कार्रवाई की गई है, जो अन्य कार्रवाई की गई है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। IPS प्रदीप मोहन शर्मा ने ली GRP की क्राइम मीटिंग। मीटिंग में क्राइम संबंधित आंकड़े, पुराने प्रकरण, ट्रेनों व प्लेटफॉर्म पर हुए अपराध प्रकरणों की समीक्षा। गुरुवार को कुंदनगर स्थित GRP SP कार्यालय में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। IPS प्रदीप मोहन शर्मा द्वारा ली गई क्राइम मीटिंग में उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर जिले के समस्त एडिशनल SP, CO व SHO के साथ फील्ड के ऑफिसर्स मौजूद रहे। मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए IPS प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि रूटीन में होने वाली क्राइम मीटिंग में क्राइम संबंधित आंकड़ों के साथ पुराने प्रकरणों, रेलवे प्लेटफॉर्म व ट्रेनों में घटित प्रकरणों के अनुसंधान की प्रगति, पुलिस वेलफेयर समस्याओं व प्राथमिकताओं पर चर्चा कर उनकी समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि बढ़ती चोरी और NDPS एक्ट की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना अधिकारियों को सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। क्राइम मीटिंग में एडिशनल SP योगिता मीणा, CO नरेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज GRP जिला पश्चिम रेलवे अजमेर में इस जिले के सभी थानाधिकारियों की और सभी वृत्ताधिकारियों की क्राइम मीटिंग अपराध गोष्ठी लिखी गई है। इस मीटिंग में मुख्यतः जो अब तक अपराध घटित हुए हैं उनका अनुसंधान किया है, आपराधिक सभी गतिविधियों का एक आकलन किया जाएगा और जो इस तरह की कार्रवाई की गई है, जो अन्य कार्रवाई की गई है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। रेलवे प्लेटफॉर्म पे या रेलवे GRP के जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर अपराध नहीं हो, यात्रियों की यात्रा सुखद और निरापद हो इसको सुनिश्चित करने के लिए चर्चा की जाएगी, आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही पुलिस महानिदेशक महोदय ने जो निर्देश दिए हैं और जो आगे आने वाले दिनों के अंदर पुलिस मुख्यालय के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए उनके बारे में इनको अवगत कराया जाएगा। साथ ही अभी जो रामदेवरा मेला चल रहा है, राज्य के सभी रेलवे स्टेशन से, सभी ट्रेनों से गोगा मेडी और रामदेवरा दोनों मेलों के अंदर काफ़ी संख्या में जो है यात्री, तीर्थयात्री जा रहे हैं। तीर्थयात्रियों के साथ कोई आपराधिक घटना घटित नहीं है, उनकी यात्रा सुखद रहे, निरापद रहे इसके बारे में भी निर्देश दिए जाएंगे।